बुद्धि के बिना भी तुम अपने को जान सकते और बुद्धि के अभाव में भी तुम्हारा अस्तित्व है। इसलिए गीता की तरह ध्यान होता है एवं बुद्धि परम मुद्रा, बुद्धि से करें अपने आप को जान करके तुम सब ध्यात्मान मात्मना, तुम बुद्धि को अपने अधीन करो, बुद्धि को सुख मनाओ। तुम बुद्धि नहीं हो, तू तन नहीं, तो मन नहीं, ना इंद्रियां, चित बुद्धि, तो बुद्धि तुम नहीं हो, बुद्धि तुम्हारी इंस्ट्रूमेंट है। तो बुद्धि को तुम शुद्ध कर सकते हो, बुद्धि का प्रयोग कर सकते हो, बुद्धि तुम्हारे अधीन है, तुम बुद्धि के अधीन नहीं हो। लेकिन जगत का यदि ज्ञान लेना तो तुम बुद्धि के अधीन हो जाओ। जगत बिना बुद्धि का आधिपत्य स्वीकार किए, बुद्धि को बिना स्वीकार किए जगत का बोध नहीं हो सकता, अपना बोध तो हो सकता। तो ये सांख्य शास्त्र में विविध ज्ञान की प्रवृत्तियां बताई, और इसीलिए वेदांत में भी उपनिषदों में भी ज्ञान के दो भेद कर दिए, पराविद्या और अपराविद्या। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष आदि ये जितने हैं ये सब अपराविद्या। अपराविद्या माने लोअर नॉलेज। अपराविद्या इसलिए कहते हैं सब बुद्धि का विषय, विदाउट इंटेलेक्ट यू कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग, न वेद, न शास्त्र, कुछ नहीं, ये सब बुद्धि के अधीन है। तो बुद्धि के अधीन है इसलिए लोअर नॉलेज। और जो अपने आप का ज्ञान है तब अक्षरम अभिगम्यते, तो अक्षर का जो अनुभव है वो इनके किसी के अधीन नहीं है। तो वेद शास्त्र से आत्मज्ञान नहीं होता, इसलिए भगवान ने गीता के 11वें अध्याय में बताया, न वेद न तो क्या न ज्ञान न दे गया सत्य एवं विधो दृष्टुम दृष्टवान समान्य। वेद से, तप से, यज्ञ से, दान से ये आत्मज्ञान नहीं है, परमात्मा ज्ञान नहीं है। परमात्मा का बोध तो आत्मा से ही है। मैंने कई बार इसको समझाया कि यू वॉन्ट टू सी सन, यू कैन सी थ्रू योर ओन आई, नॉट थ्रू अदर आई। इन द सेम वे इफ यू वॉन्ट टू सी गॉड, यू कैन सी थ्रू योर ओन सेल्फ, योर ओन सेल्फ इज आई ओनली, थ्रू दैट यू कैन लिव आई। तो अपने आप को जानने के लिए केवल आपका अपना आप और कोई साधन दूसरा नहीं देंगे। इसलिए भगवान ने बार बार कहा ना कि तू अपने को समर्पित कर ले मेरे में, तो मेरे को जान जाए। बिना अपने को मेरे में समर्पित किए मेरे कैसे जानेगा तू? तो अन्य साधन भगवान को जानने के लिए नहीं है, अन्य साधन तो जगत को जानने के लिए। हाउ वन कैन यूज ऑल वर्ल्डली सबस्टेंसेस इन द प्रॉपर वे, इसका बोध जो है वो वेद शास्त्र, इसका बोध तुम्हें शास्त्र से मिलेगा, सत्पुरुष से मिलेगा, लोगों के एक्सपीरियंस से मिलेगा। लेकिन हाउ यू कैन नो योर ओन से ये आपको वेद शास्त्र नहीं बता सकते, तो केवल इंडिकेट कर सकते हैं कि हाँ ऐसे हो सकता है, लेकिन ये करना पड़ेगा आपको अपने आप। ये दो प्रकार के ज्ञान की बात है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं जब तुम्हें ये पता हो जाए ये जितने भाव है, अब यहाँ भवन की भावा भूता नाम, भाव में बुद्धि भी एक भाव है, ज्ञान भी एक भाव है, भाव है बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सप्तम, गमा, क्षम, तो क्या है भाव? भाव माने उत्पत्ति, भाव माने सत्ता, ये सब उत्पन्न हुए, बुद्धि उत्पन्न हुई है, ज्ञान उत्पन्न हुआ है, असम्मोह की अवस्था उत्पन्न हुई है, क्षमा, सत्य, दम, स्वम, ये सब भाव है और ये सब उत्पन्न हुए। इसलिए इनको जानने के लिए वेद शास्त्र में जो कुछ विधियां समझाई गई हैं उनसे इनका बोध होगा। लेकिन किससे उत्पन्न हुए हैं? उत्पन्न हुए हैं परमात्मा को। तो परमात्मा को जानने के लिए
तो तुम्हें अपने आप को ही उसका इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने आगे बताया कि जो जान जाते हैं कि सब मेरी विभूतियां हैं, वो सब अभिकम्प योग द्वारा मुझसे समझ गए। तो यहां पर कल मैंने बताया था बुद्धि क्या है, ज्ञान क्या है, असम्मोह क्या है, क्षमा किसे कहते हैं तो बता दिए तुम, सत्य क्या है, अब ये समझो। शास्त्रकारों ने कहा कि जैसा देखा है सुना है वैसे कह देना सत्य है, लेकिन इसमें शांकराचार्यों ने कहा कि नहीं ये गलत है, जो तुम देखते हो वो सत्य नहीं है, जो तुम सुनते हो वो भी सत्य है, अर्ध सत्य। देखते हो सत्य नहीं है, सत्य और है, देखते कुछ और होते, जो तुम देखते होते वही सत्य होता, फिर तो तुम सत्य ज्ञाता होगे, सत्य वक्ता होगे, तो तुम्हें भ्रांति नाम की चीज कहां। या फिर आज सत्य देखा नहीं जा सकता, देखा जाता वो सत्य नहीं है, यह दृष्टम तो नष्टम, जो दृश्य है शास्त्र का ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, ये दृष्टम तन्नष्टम, जो कुछ दृश्य है वो परिवर्तनशील, तन्नष्टम ये प्रतिपल वो नष्ट हो रहा है, तुम देखा रहे जिसको तुम देखे तो नष्ट हो गया, जिसको तुम कहने जा रहे हो कि मैंने कल देखा था इसको, तो कल वाला तो रहा नहीं, तुम कहां देखे, जिसको तुम अभी इंगित कर रहे हो वो तो रहा ही, तुमको गंगा जी पानी को मैंने देखा है, तुम बताओ ये है तो तुम पानी तो गया उधर, ये कहां लगाओ, तुम्हारा अंगुलिया निर्देश होते ही वो तब चला गया, जिसको तुम देखते हो कह नहीं सकते, और जिसको कहते हो तो तुरंत देखा वो बदल जाता है, कितना ये तो पानी की गति की बात है, सूक्ष्म सृष्टि में कितनी गति से सोचो, पहले एक सेकेंड में 186,000 मील की गति से, एक सेकेंड पहले देखो सुई कैसे घूमती, सेकेंड 186,000 मील की गति से इलेक्ट्रिक वेव चल रही है, सूर्य की किरण, ये सूर्य से लेकर पृथ्वी पर पड़ती है, 186,000 मील की स्पीड से आती है, एक लाख छियासी हजार मील की गति एक सेकंड, सेकंड की सुई जरा देखो आप, विज्ञान है गणित है, 186,000 मील की गति से इलेक्ट्रिक वेव, मन की गति से ज्यादा है, एक सेकंड मन की गति से भी ज्यादा है, न्याय दर्शन में समझाया गया कि भाई ये गति कैसे, तुम कहता है कि जैसे न्याय दर्शन बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया, कहा कि जैसे फूल की पखड़ियां तुम इकट्ठा कर लो 100 पखड़ियां, जब सुई लोग ऐसे फ्रिंग करते हो तो एक साथ 100 पखड़ियां पार कर जाते, लेकिन करते कैसे करते हैं तो आपने 100 पखड़ियां ले ली, एक सुई लिया और उसका माला घोने के लिए आप प्रिंग किया, तो पखड़ियों जब ऐसे आपने छेदा तो एक एक पखड़ी के छेदने में कितना समय लगा गिन सकते हो, बता सकते हो, लेकिन सुई ने तो एक एक करके छेदा है कि सारे को छेद दिया, इसका अगर नहीं तो सारा एक साथ हो गया, सारा कैसे हो गया, एक एक करके ही हुआ है, टर्न बाई टर्न हुआ है, लेकिन टर्न बाई टर्न इतना क्विक हुआ है कि काम कैच कर उसको तुम पकड़ नहीं सकते, क्यों नहीं सकते, कितनी शीघ्रता से हुआ, तो जैसे इतनी शीघ्रता से काम हो जाता तुम नहीं शुरू पकड़ पाते, कैसे तुम काल को कैसे पकड़ो, काल है लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, तुम पकड़ नहीं पा रहे हो, तो जो तुम पकड़ नहीं पा रहे हो वो नहीं है, ऐसा नहीं काल तुम्हारी पकड़ से परे ये बात, तो सूर्य की किरणें वहां से आ, जब तुम कोई पास की लाइट बुलाते हो तो लाइट ये नहीं कि लाइट एंड सब जगह एक साथ हो जाती है, ऐसा नहीं होता,
वो तार से निकलकर वहां तक जाने में उसको समय लगता है, लेकिन इतनी शीघ्रता से वहां तक पहुंच जाती है लाइट कि तुम उसको गिन नहीं पाते कितना उसमें समय लगता है। समय को कैलकुलेट नहीं कर पाते थे। तो जो तुम्हारे कैलकुलेशन से परे है उसको तुम क्या कहो? मन उससे मन की गति उससे भी तीव्र है। यहाँ पर बताया गया, हाँ यहाँ पर बताया अनेज देखम मनसह जबीय। तो मनसह जबीय जो कहा गया है तो मन की गति उससे भी तेज है, और मन से भी तेज वो है कतो पहले पहुंचा होता है दूरे जो तो सर्वव्यापी है। क्या व्यापकता के भी कोई वैदिक विज्ञान में समझाया गया कि व्यापकता के भी गति से विरोध नहीं है, व्यापकता में गति में कोई विरोध नहीं है, गति में व्यापकता है कि नहीं है। वो कहते व्यापकता की तो तुम्हारी अपनी कल्पना है, गति में व्यापकता है, व्यापकता में गति है। वो कहते हैं गति व्यापकता में विरोध नहीं है। एक ऐसा दृश्य, एक ऐसा यंत्र बनाया गया जो कि एक घंटे में एक मिल जाता था, एक घंटे में एक ऐसा यंत्र बना जिसका नाम रखा बैलगाड़ी, वो चला। अब उससे एक और गति वाला यंत्र आया जो कि वो सफर घंटे के बजाय आधा घंटे में तय कर दिया। अब एक उससे भी तीव्र गति का यंत्र बना, जब वो एक वो जो सफर था आधा घंटे के बजाय 15 मिनट में तय कर दिया। अब एक उससे भी गतिशील यंत्र बना जो 15 मिनट बजाय 1 मिनट में तय कर दिया। अब उससे भी एक गति तीव्र यंत्र बना जो कि 1 मिनट भी नहीं लगा और तय कर दिया, कुछ सेकेंड में कर दिया। इतना भी गतिशील यंत्र हो सकता है जो केवल 1 सेकेंड में तय कर दे? यंत्र तो होगा, तो गति तो गति है, चाहे घंटे में 1 मिल गया या सेकेंड में 1 मिल गया। तो घंटे में 1 मिल जाए तो उसको तुम देख सकते हो, माप सकते हो, लेकिन सेकेंड में 1 मिल चला जाए तो तुम पलक उठाए सेकेंड हो गया ना, पलक उठाते सेकेंड होता है ना, ऐसे करने में सेकेंड बनता है, ऐसे करने में कोई इनमें सेकेंड, ऐसे करने में सेकेंड बन जाता है, इससे ज्यादा नहीं लगता। नहीं जी नहीं, निमेश जो है, हाँ निमेश समझ लो, चलो निमेश को, हाँ चलो निमेश स्केट उसका छोटा रूप है, निमेश कर लो, लव कर लो, निमेश कर लो, चलो ऐसे करने में हो गया। तो आंख झपकते यदि वो पहुंच गया, आपने आंख बंद किया दूसरा वहां दिखाई दे रहा, क्या करोगे? अरे तो उसकी गति के ऊपर निर्भर है। टीवी पर ना रोज देखते हैं, इलेक्ट्रिक वेव से आ रहे हैं, तो बिजली को वहां तक काम करने में समय लगता है, करंट को वहां पहुंचने में इलेक्ट्रिक वेव है, इलेक्ट्रिक वेव तो उसी गति से चलता है। अब ये जो वेव्स है गति है, तो अनंत में गति है, लेकिन गति इतनी प्रबल है कि हम उसे पकड़ नहीं पाते, इसलिए जहां बहुत तीव्र गति होती है उसको हम स्थिति मान लेते हैं। हाँ अपन तो बहुत ज्यादा गति नहीं होती जहाज की, 700 मील की होती है, क्या बहुत ज्यादा गति नहीं, और लगता है खड़ा हुआ है, अब धरती घूम रही है, उसमें बैठे लग रहा है घूम रही, धरती भी तो आकाश में ही घूम रही है। ये देखो अब धरती घूम रही है, अपने पता चल रहा है, अपन बैठे बैठे सूर्य घूम रहा बेचारा,
बालक भ्रमई ने भ्रमई गृहादि करह परस्पर मिथ्यावाद। तुलसीदास जी कहते हैं जब बालक घुमरी परितवा खेलो, तब घुमरी परितवा खेले तो पता चले, घुमरी परितवा खेले हुई तुलसीदास जी तभी तुमको याद रहा ना कि बालक भ्रमई ने भ्रमई गृहादि। नौका रूढ़ चलत जग देखा, नाव में बैठ के चलत ये लगता कि सारी दुनिया चल रही है, नाव तो वही वही खड़ी है। ये स्थिति है, यानी गति का अभिप्राय करने लगता है कि गति जो है उसको मापना बड़ा मुश्किल। तो इसी रूप से सत्य जो है, सत्य को पकड़ पाना बड़ा मुश्किल। तो सत्य जो है वो कहा नहीं जा सकता, जो कहा जाता है वो सत्य नहीं होता। फिर क्या किया जाए? तो सांख्याचार्यों ने सत्य की एक व्याख्या कर दी। का सत्य क्या है? का यद भूत हितमत्यंतम स सत्यमिति मे मति। का सत्य किसे कहते हैं? कहा जिससे प्राणी का कल्याण। ये तो बताया ना, व्यापकता में गति है सर्वत्र, गति तो सर्वत्र है, गति व्यापकता है, व्यापकता गति है। विश्वव्यापनी, व्यापनी में भी तो विश्व धातु है, विश्वव्यापनी धातु का अभिप्राय क्या होता है? गति और स्थिरता, इसी पर तो सारी कमेंट्री है। वो कहते हैं गति और स्थिरता के तुम कैसे कल्पना कर सकते हो? एक गतिशील है दूसरा स्थिर है, यही है ना, एक गतिशील है दूसरा स्थिर है, तो तुम कैसे इसकी कल्पना कर सकते हो? कौन गतिशील है कौन स्थिर है? गति में स्थिर है, स्थिर में गति है। क्या वही ब्रह्म है? ब्रह्म की यही तो विलक्षणता है, उसमें गति भी है नहीं भी गति है। तद एजत तन्न एजत, तद दूरे तदवंत के। जैसा है वैसा दिखता नहीं, जैसा दिखता वैसा है नहीं। इस सत्य की क्या परिभाषा होगी? कहा सत्य की परिभाषा केवल इतनी है, यद भूत हितमत्यंतम स सत्यम इति मे मति। कहा सत्य बोलो, सत्य बोलो माने जिसमें दूसरे का भला होता वो बोलो। यद भूत हितमत्यंतम, यद भूत हितम अत्यंतम स सत्यम इति मे मति। सत्यस्य वचनम श्रेयो सत्यादपि हितम वदे। जैसा तूने जाना है, जैसा तुम्हारे लिए सत्य लगता है, वैसी वचन बोलो। तुम्हारा जाना हुआ है सत्य है ना, इसको तुम अटल सत्य नहीं कह सकते, परम सत्य नहीं कह सकते, तुम्हारा जाना हुआ सत्य है बस। ये देखो ये तुम्हारा जाना हुआ सत्य है, ठीक है, लेकिन ये परम सत्य है ऐसा तुम कैसे दावा कर सकते हो? ये तुम्हारा अर्थ है, सांख्य सिद्धांत। तो सत्यस्य वचनम श्रेयम सत्यादपि हितम वदेत, पूरा श्लोक ऐसे है। सत्यस्य वचनम श्रेय, श्रेय श्रेय, सत्यस्य वचनम श्रेय सत्याद अपि हितम बदे, सत्याद अपि हितम बदे। फिर अगला वो है यद भूत हितम अत्यंतम स सत्यम। ये जो सिद्धांत है ये सत्य की बड़ी ही सुंदर व्याख्या करता है, उपयोगी व्याख्या, यथार्थ व्याख्या। इससे बड़ी और सत्य क्या हो सकता है? जिसमें मनुष्यों का हित है प्राणी का हित है वही सत्य है, और तुम्हारे सत्य बोलने से दूसरे का नाश हो जाए तो सत्य काय कराओ, तो सत्य हो गया। और तुम तो अपना जना हुआ सत्य बोले ना, और सत्य था कि नहीं था कौन कह सकता है? तुम जो देख रहे थे वही सत्य है, ऐसे कैसे कह सकते हो? हमें एक संत ने एक घटना सुनाई
और उन्होंने कहा कि हमें बहुत लज्जित होना पड़ा था किसी से। तो एक बार मथुरा वृंदावन के उस पार यमुना के किनारे एक संत बैठे हुए थे, धुनी रमाकर बैठते हैं जैसे बगल में चिंटाले, तो वहां पर नाव से एक कपल आया उस पार, नाव से बैठा उस पार चला गया। महात्मा दूर बैठे हुए थे, अब वो उधर गया तो वहां बैठ गया तो वो लड़की थी, यंग लड़की थी, और आदमी जो था उससे ज्यादा थोड़ा बड़ी आयु का था, तो वो जाकर वहां बैठ गए। तो आपस में कभी लड़की उसके गोद में बैठ जाए, कभी ऐसे सब रख दे, कभी वो करे, कभी वो उसके करे, तो देखा कि क्या करें। तो महात्मा ने ऐसे देखा तो उसको बुरा लगा, ये वृंदावन आए क्या कर रहे हैं, उसको क्या पता कि कौन है वो क्या कर रहे हैं। इतने में अब बात क्या कर रहे हैं ये नहीं सुन रहा था, दूर था, इतने में एक्शन देख रहा था। तो लड़की ने बोतल निकाल करके एक गिलास में डाला और डाल करके उसको दिया, वो पीने लगा। तो महात्मा को अब निश्चय हो गया कि ये दोनों बदमाश हैं और शराब पी रहे हैं यमुना किनारे बैठे। अब इतने में महात्मा जी अपना चिमटा उठाए और गाली देते हुए चल पड़े। तो वो उनको तो पहले तो ध्यान नहीं रहा, जब नजदीक आ गए उन्होंने देखा कि बाबा क्या हो गया, तो वो गाली देता हुआ आ रहा था, बदमाशो तुम लोग, ये तीर्थ स्थान है, यहाँ क्या कर रहे हो। तो नजदीक आ गया तो वो जब सुना तो उसने कहा ये तो हम ही बोल रहे हैं, क्या बात है जी, आप क्यों टेढ़े हो रहे। अरे कहा ये तीर्थ स्थान है, यहाँ तुम लोग क्या कर रहे हो। क्या कर रहा हूँ, बैठा हुआ क्या कर रहा हूँ, आप बदमाशी करने के लिए तो उसको तो आग लग गई आदमी को, उठकर खड़ा हो गया, कहता मैं महात्मा नहीं, मैं मार करके तेरे को हड्डी तोड़ डालू, बेवकूफ का बच्चा गाली देने लगा, जानता है मेरी छोटी बहन है, क्या कह रहा। उसको पता चल गया ना कि ये मेरे को गलत समझ रहा है, वो कहने तुम दोनों बदमाश हो, यहाँ क्या कर रहे हो, तो बिगड़ गया। तो बेवकूफ मेरी छोटी बहन है, क्या कह रहा, तो कहा कि तुम यहाँ शराब पी रहे। अरे कहा मूर्ख, देख रहा गंगा जल, हरिद्वार से आई है गंगा जल आई मेरे लिए, अगर तेरे बुद्धि भ्रष्ट हुई है, महात्मा हो गया अभी तो दिमागी कहता ये ले देख। तो वहां पर वो गंगा जल और वो क्या नाम इलायची दाना वो हरिद्वार से ले आई, तो सारा पड़ा हुआ था वैसे बिगड़ गया। अब महात्मा को तो काटो रख रहे वो तो सुन हो गया, हाँ जो मिल गया मेरे से गलती हो गई, मैं बहुत गलत समझा रहे कहा महाराज जा कहता महात्मा ने होता तो आज मैं तेरे को हड्डी तोड़ डालता। क्या कह रहा, तेरे को इतना पता नहीं, कम से कम तू आता पूछता है यहाँ भाई तुम लोग कौन हो, तुम गलत विचार मान के गाली देना ही शुरू कर दिया मेरे को। तो उसको जो कहा ना तुम दोनों बदमाशी कर, उसको बुरा लगा कि मेरी बहन को इसने से कह दिया तो वो महात्मा ऐसा पानी लौटा वहां से देख रहा था दूर से, कुछ भी हो सकता है, दूर से कौन कह सकता सत्य क्या है, सत्य तो सत्य होता है। तो महात्मा ने बताया कि भाई देखो ये मेरे साथ बीती हुई है, इसलिए जो तुम देखते हो सत्य है, मैं नहीं मानता। उस दिन सबने निश्चय किया कि जो हम देखते हैं वो सत्य नहीं। तो कभी 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 क्या प्राय जो हम देखते हैं वो सत्य नहीं होता, और जो सत्य होता है हम जान नहीं पाते। ये उस महात्मा के साथ बीती हुई घटना उसने सुनी कि मेरे साथ बीती हुई घटना है, अरे देख करके ही होता सारा होता है अपनी आंख पर ज्यादा। अरे जो आंख तुम्हें प्रतिपल धोखा दे रही उस पर तुम्हें इतना विश्वास नहीं होता जी, उसने ऐसे किया वो जरूर हमारे विषय में कहता होगा। देख कर जी सुन करके अक्सर होता है, सारी इंद्रियां हो गई, जितनी तुम्हारी ज्ञान इंद्रियां हैं ये सब धोखेबाज हैं, इनसे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं दुनिया।
फंस गया। इसीलिए तो शास्त्र कहता है इन पर विश्वास मत करो, इनकी उपयोगिता तो है क्योंकि बिना इनके तुम्हारा काम नहीं चलता, लेकिन ये तुम्हारे विश्वास पात्र नहीं है नौकर। ये जो तुम्हारे पास नौकर हैं ये विश्वास विश्वास पात्र नहीं है, इसलिए इनकी बात मत मानो। क्या कहते हो, मैंने अपनी आंख से देखा है। आंख से देखा तो सही हो गया भाई, आंख से तुम रोज सूर्य को देखते हो, सत्य है क्या? सूर्य सही भी इतना बड़ा गोला सा है, छोटा सा बाल सा, आंखें तो रोज देखते हो, आंख से देख रहे हो पृथ्वी खड़ी हुई है, सही है क्या? आंख से जो कुछ तुम देख रहे हो तो आधे से ज्यादा झूठा है, 99% मिथ्या है, 1% सत्य है कि यहाँ पृथ्वी है, इतना तो है, लेकिन क्या है पृथ्वी यू कांट रियलाइज, यू कांट नो, यू कांट सी दैट टू। आंख केवल उसकी स्थिति मात्र बताती है, कान ने शब्द की स्थिति बताई, आंख ने रूप की स्थिति बताई, ये तुम्हारी इंद्रियां जो हैं पांचों ये अस्थि का अवबोधन कराती, इसलिए भाव कहते हैं भाव, भाव माने सत्ता, ये भाव का केवल बोध कराती है लेकिन तत्व का बोध नहीं कराती है। इसीलिए तो यही शास्त्र बताता है, ये तुम्हारी इंद्रियां भाव बोध में तो कारण है लेकिन तत्व बोध में हेतु नहीं हो सकती, और तुम्हारी तुम्हारा कल्याण भाव बोध से नहीं है, तत्व बोध से। यथार्थ बोध क्या है? तत्व बोध। यही बात वेद में, उपनिषद में बात 500 बार समझाई गई, ये मनसार मनुते नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्व विद्धि एदम इदम उपासते, ये सारी वहां पर कई मंत्र हैं, सब मंत्रों के ही अभिप्राय कि तुम्हारी इंद्रियां जो हैं ये उसको नहीं जान सकती, ये तो जिसको जानती है उसको भी अधूरा जानती है, केवल अस्थि की अवबोधिका तो है लेकिन यथार्थ की अवबोधिका नहीं। अस्थि और यथार्थ में बड़ा अंतर है, एक व्यक्ति है उसको तो आंख बता देगी व्यक्ति है, लेकिन वो व्यक्ति क्या है आंख कैसे जानेगी? वस्तु है ये तो आंख बता देगी, वस्तु क्या है ये आंख कैसे बताएगी? ये तो तुम्हारी पांचों ज्ञान इंद्रियां लगकर के भी नहीं बता सकती कि वस्तु क्या है। हाँ बुद्धि उसको बता सकती है, लेकिन तुम इंद्रियों के पीछे दौड़ पड़ते, बुद्धि का प्रयोग करते नहीं है जरा। इंद्रियों ने कहा मान लिया, बुद्धि का प्रयोग करो, लेकिन बुद्धि का प्रयोग कहां होता है? नौकरों की बात पर विश्वास करके सर्वनाश कर दिया, कह के नौकर की बात मानकर मंथरा भी सर्वनाश कर दिया, अपना भी किया और दूसरे का भी किया। लेकिन यदि अपने बुद्धि से काम लेती, पूछ लेती कि भाई, और किसी से नहीं कौशल्या से पूछ लेती, या राजा साहब आ रहे तो उन्हीं से पूछ लेती कि भैया ये साहब क्या कर रहे हो तुम, लेकिन उसकी बात पर विश्वास कर। इसलिए ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं ना, ये केवल धोखेबाज है, ये ज्ञान इंद्रिय क्यों कहते? इसलिए कि ज्ञान का बोध अस्थि का बोध कराती है, का पता इनसे लगता है। तत्व का बोध नहीं होता, अस्थि का बोध होता, सत्ता का बोध होता, है का बोध होता। इसलिए यहां क्या क्या हुआ, भवंति भावा भूतानां मत्तेव प्रतिपद्यते, ज्ञान इंद्रियां विचारी इनका अपना कुछ है नहीं, ये भी किसी से पा करके ही अपनी बता रहे, रिफ्लेक्शन कर रही है। नहीं अस्थि तो है लेकिन क्या है इसका पता नहीं, तत्व है इतना है लेकिन क्या है इसका पता नहीं है। क्या है का पता कौन लगा सकता है? बुद्धि, ये गुण बुद्धि में है, बुद्धि अपने में हो तो, बुद्धि यदि अपने में हो तो बता सकती है। कौन बुद्धि? स्थिर बुद्धि। इसीलिए भगवान ने सबसे पहले स्थित प्रज्ञता की व्याख्या की, मूल गीता का मुख्य संदेश स्थित प्रज्ञता, जिसकी बुद्धि, और वेद ने भी बताया दृश्यते तो ग्रया बुद्धिया सूक्ष्मिया सूक्ष्मदर्शी, विशुद्ध बुद्धि के द्वारा, कुशाग्र बुद्धि के द्वारा तुम सबको जान सकते हो, समझ सकते हो,
सत्य समझा जाता है, जाना जाता है बुद्धि के बोधगम्य, लेकिन बोधगम्य बोधगम्य इंद्रिय गम्य नहीं। यथो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, कई बार बात करते रहो, दूसरा आता है कुछ सुनता, उसका आधी बात सुना, सोच लिया कि बस मेरी बात हो रही थी, खत्म हो गया, दुनिया बदल गई जी। अक्सर 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 ठीक शब्द है, अक्सर प्राय उर्दू का, प्राय संस्कृत का, ठीक है, हम हिंदी बोले संस्कृत बोले, ठीक है, प्राय ऐसा होता है। अब यहां पर देखिए, इसलिए सत्यम, सत्यम के विषय में भगवान ने कहा यह सत्यम मेरी विभूति है, ये सब भगवान की विभूतियां हैं, बुद्धि विभूति है, ज्ञान विभूति है, असंभव विभूति है, क्षमा विभूति है, सत्य विभूति है। अब दम आए, दम माने इंद्रियों का निग्रह, दम माने इंद्रियों का निग्रह, निग्रह माने इंद्रियों को मनमानी न घूमने देना, नौकर को कंट्रोल में रखना, दम करते इंद्रिय